नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार की सड़कों पर आए दिन कई तरह के आंदोलन होते रहते हैं, चाहे वो एसटीईटी के अभ्यर्थी हो, नियोजित शिक्षकों का आंदोलन हो या किसी अन्य अभ्यर्थियों का आंदोलन हो। लगातार अपने अधिकारों को लेकर सरकार को जगाने का काम करते हैं। सरकार ने पिछले टर्म में भी कई वादे किए, नई सरकार का गठन हो चुका है, चुनाव से पहले भी कई तरह के वादे किए गए थे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी कुछ मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन अब सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल का पूरी तरह से विस्तार होना अभी बाकी है। एक बात और गौर करने वाली है कि शिक्षा विभाग का, शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अशोक चौधरी के हाथों में है, लेकिन शिक्षा से जुड़े कुछ वादे जीतन राम मांझी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी विधायक के पद पर है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, लेकिन अब बड़े वादे कर रहे हैं जीतन राम मांझी। इन वादों के क्या मायने हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको जीतन राम मांझी का ट्वीट दिखाते हैं, जहां पर उन्होंने कई लोगों से कई सारे वादे किए हैं। जीतन राम मांझी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर उन्होंने लिखा है कि एसटीईटी टीटी अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षकों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नियोजित कर्मचारी, पंचायत सचिव, टोला सेवकों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंतजार कीजिए, जल्द ही आप सबों को अच्छी खबर मिलेगी। हम काम करने में यकीन रखते हैं, हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, HAM लिखा गया है जीतन राम मांझी की तरफ से। और फिर से आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने एसटीईटी और टीटी के अभ्यर्थियों के साथ नियोजित शिक्षकों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नियोजित कर्मचारी, पंचायत सचिव और टोला सेवकों से ये वादा किया है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही आपकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा, अच्छी खबर मिलेगी। जीतन राम मांझी जो ये वादा कर रहे हैं वो किस अधिकार से कर रहे हैं ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार अशोक चौधरी के हाथों में है। दिसंबर में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नीतीश कैबिनेट की मंत्रिमंडल का। अब देखने वाली बात ये होगी क्या जीतन राम मांझी को नीतीश कैबिनेट में ऐसे अधिकार मिलते हैं जिसके आधार पर जीतन राम मांझी इन तमाम लोगों को वादे कर रहे हैं। आपको पता है कि इनमें जिन जिन पोस्ट के नाम लिए गए हैं, जिन जिन अभ्यर्थियों के नाम लिए गए हैं, वो सभी आंदोलनरत रहते हैं लगातार, चाहे वो टोला सेवकों की बात हो, एसटीईटी टीटी अभ्यर्थियों की बात हो, नियोजित शिक्षकों की बात हो, अपने अधिकारों को लेकर हमेशा मांग उठाते आए हैं। उनसे जीतन राम मांझी ने वादे किए हैं कि चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जीतन राम मांझी के इन वादों के क्या मायने हैं, आखिरकार उन्होंने किस अधिकार से इन तमाम लोगों से इतने बड़े वादे किए जो लंबे समय से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनसे जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम काम करने पर विश्वास रखते हैं, हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, स्पेलिंग आप देख सकते हैं ट्विटर पर HAM लिखा हुआ है। अब इन बातों के क्या मायने हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।